सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कॉर्नफ्लोर मसाला निमकी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यमी रेसिपी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस दिवाली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं कॉर्नफ्लोर मसाला निमकी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इस टेस्टी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैंने हाफ कप कॉर्नफ्लोर लिया है। ये मक्के का आटा नहीं है, ये कॉर्न स्टार्च है जो सूप में इस्तेमाल होता है। तो हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/4 कप मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है और 1/4 कप मैंने बेसन लिया है। और मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका उतार कर पाउडर बना लिया है। तो 3 टेबल स्पून मैंने पीनट पाउडर लिया है, मूँगफली का पाउडर लिया है। और 1 पिंच मैंने हींग लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, वो ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3 से 4 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे और 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पत्ती डाल देंगे। और 1/4 कप मैंने मेथी की हरी पत्तियाँ ली हैं, उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। सारी चीज़ों को बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं और उबले हुए आलू को भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हार्ड डो तैयार करेंगे। डो कड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट डो नहीं होना चाहिए, तभी हमारी निमकी खस्ता बनेंगी। ये देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है और अब हम इसको साइड में रख देते हैं और बेलने की तैयारी करते हैं। इसको हम बेल कर कट करेंगे। तो इस पूरे डो का हम 2 पार्ट कर लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हम इसका एक पतली रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगाते हुए हम इसको बेल लेंगे। पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, लेकिन पतला बेलेंगे तो ये खस्ता बनती हैं। तो इसको पतली सी रोटी देखिए मैंने तैयार कर ली है, इतनी पतली होनी चाहिए। अब इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसको नमक पारे की शेप में कट किया, डायमंड शेप में कट किया है। आप लंबा और गोल कुकी कटर से गोल शेप में भी कट करके इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। साइड का मैंने हटा दिया है और बीच का मैं इसको डायमंड शेप देने की कोशिश करूंगी। और किसी भी शेप में आप कट करिए, टेस्ट बहुत ही ऑसम होता है इसका। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो जितनी भी डो मेरे पास है, जितना डो बचा है, उसका भी हम इसी तरह से बेल कर और कट करके तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये मैंने सारे निमकी को बेल कर कट करके एक प्लेट में रख लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल रखा है और हम इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और मीडियम टू लो के बीच में हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है या बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, वरना इसमें से अजीब सा टेस्ट आएगा, मेथी की पत्तियों की कड़वाहट आने लगती है। और इसको हल्का सा गोल्डन कलर का फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही इसको फ्राई करना है। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में भी फ्राई नहीं करना है। इसको इस तरह से चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हल्की गोल्डन कलर की फ्राई हो गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल ये अब्जर्व कर ले। ये देखिए इस तरह से इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट कलर का ही फ्राई करना है। तो मैंने इस तरह से सारी निमकी को फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना इसमें से कड़वाहट आने लगती है। और ये जब ठंडी हो जाए तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर लीजिए। तो ये हमारा टेस्टी डिलीशियस कॉर्नफ्लोर निमकी मसाला निमकी बनकर तैयार हो गया है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। तो इस दिवाली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है।
और आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर पे में रख कर इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी इस टेस्टी और यमी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।